मैटर, ठीक है। पहला दिया हुआ है नेचर ऑफ मैटर, मतलब द्रव की प्रकृति कैसी होती है। तो द्रव की प्रकृति के लिए हमें बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि द्रव है क्या, द्रव कहाँ मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी शॉप पे जाओ और बोलो भैया 2 किलो द्रव दे दो या 2 लीटर द्रव दे दो, तो 2 लीटर द्रव कैसे देगा, कुछ होना तो चाहिए। द्रव्य होता क्या है, तो द्रव्य जो है एक एक ऐसी मटेरियल है या ऐसा कुछ मान सकते हैं जिसके पास में मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान क्या करता है, एक प्लेस को कवर करता है, मतलब एक जगह घेरता है। तो जैसे कि हमारे पास ये द्रव्य है, ठीक है, ये जस्टर, ये भी द्रव्य है, ठीक है। अगर इसे हम बुक के ऊपर अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो हाथ के ऊपर रखने पर ये इतना प्लेस कवर कर रहा है और हमें लग रहा है कि कुछ भारी है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये द्रव्य है। तो हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके पास में सेल्फ का मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य, ठीक है। ये द्रव्य की प्रकृति है, ठीक है ना। अब स्टेट ऑफ मैटर दिया हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर क्या होता है ये हमको पता चल गया, मैटर क्या होता है और उसका नेचर कैसा होता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर इस तरह से हमको मैटर की क्वालिटी पता हो गई है, इस नेचर पता हो गया है, तो स्टेट मतलब अवस्थाएं कैसी होती हैं, किस अवस्था में पाया जाता है। जैसे अवस्था क्या होती है, आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी को क्या कहते हैं, लिक्विड, ठीक है। फिर गर्म करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद पानी क्या बन जाएगा, भाप, उसी के वेपर, ठीक है। शुरुआत में बर्फ का टुकड़ा क्या था, सॉलिड था ना, तो आइस क्या है, सॉलिड, ठीक है, आइस है सॉलिड, मान लो वो तो होती ही, मानना क्या, उसमें आइस सॉलिड हो गई। अब सॉलिड के पास में देखो स्थान घेर रहा है और उसका वेट भी है, ठीक है। थोड़ी देर बाद लिक्विड, गर्म करने पर लिक्विड बन गया, लिक्विड के पास भी स्थान होता है, मास होता है, ठीक है, और गैस के पास भी ऐसा होता है। हम कैसे पता करें कि गैस और मास और सॉरी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो सॉलिड के पास में क्या है, हमने देखा, हमने डस्टर लिया, इस डस्टर को हमने एक कटोरे के अंदर डाला, डस्टर सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। हमने इसको दूसरे पतीले में डाल दिया, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि ये टूट फूट के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये अपना आकार चेंज नहीं करता, स्थान घेरता है पर आकार चेंज नहीं करता ये, ठीक है। सॉलिड हमने लिया लिक्विड, अब लिक्विड को हमने एक पतीले के अंदर डाला तो हम देखते हैं वो उस साइज का बन गया, ठीक है। हमने एक बीकर के अंदर डाला, हमने लिक्विड को इसके अंदर डाला तो हमने देखा ये यहाँ तक भर गया पूरा का पूरा, हमें अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा। तो हमने इसको इस टाइप की शेप के अंदर डाला तो हमने देखा ये इसके ऊपर ही भर गया ऐसे करके, ठीक है। तो हमने सोचा कि ये कुछ डिफरेंट टाइप का खेल हो रहा है, हमने सोचा एक और साइज बना लेते हैं, तो हमने एक बीकर बनाया ऐसा ऐसा करके, ये बना लिया बीकर, इसके अंदर लिक्विड भरा तो हम देखते हैं कि ये लिक्विड हर जगह पर पहुंच गया ऐसे करके और पूरा भर गया। इससे मालूम क्या चलता है कि जिस शेप में हम लिक्विड को डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा। जैसे मान लो हम लोगों ने देखा है गिरगिट, हम लोग देखते रहते हैं आसपास इलाके में, हम लोग देखते हैं बहुत सारे गिरगिट मिल जाते हैं हमें आजकल, तो गिरगिट क्या होता है, कलर चेंज कर लेता है ना, तो वो गिरगिट का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, बट वो तो बहुत छोटी बात है। तो आप लिक्विड के लिए क्या याद रखेंगे, इसके पास आयतन होता है, इसके पास खुद का आकार नहीं होता, ये दूसरे के आकार पे काम करता है, ठीक है, इसे लिक्विड कहते हैं। गैस क्या होती है, ऑक्सीजन हर जगह पर अवेलेबल है ना, अवेलेबल। तो हमने एक ये ले लिया बॉक्स, हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन भर दें तो ऑक्सीजन पूरे वॉल्यूम में फैल जाती है ये, ठीक है, इसके अंदर फैल गई। हमने इस बाउल को चेंज करके ट्रायंगल टाइप का ले लिया, ये ऐसा ले लिया, तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी पूरी जगह पर फैल गई है सब जगह, ये ले लिया सब जगह पर फैल गई, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में मास है, खुद का वेट है, पर इसके पास में खुद की शेप नहीं है, खुद का आकार नहीं है, ये क्या करती है, पूरे आयतन में फैल जाती है। जैसे कि आपने एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल को आधा काट दिया, ठीक है, आधा काटने के बाद उसे पानी भर दिया, पानी भरने के बाद में उसे गर्म करना स्टार्ट किया,
गरम करने के बाद हम देखते हैं जो उसकी भाप बनती है पूरे ढक्कन में आ जाती है कुकर के अंदर या बॉल के अंदर, ऐसा होता ना। तो कुकर के अंदर जो भाप पूरे पूरे के पूरे कुकर के अंदर रहती, हमारा कुकर कुछ ऐसा होता है ना, ये टेक्निकल कुकर में बना रहा हूँ ऐसा करके, और यहाँ पे सीटी लगी रहती है, ऐसा कुछ कुछ होता है ना हमारा। यहाँ पे इसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं और हर जगह पर क्या होता है ये। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, यहाँ पर हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरे की पूरे जगह पर ये फैल जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये गैस है ये पूरे आयतन में फैलती है, लिक्विड जिस शेप में डालेंगे उस शेप में आ जाएगी, ठीक है। ये इसका क्या है, फेज है। अगर हम हमने आइस ले लिया, मान लो हमने आइस लिया, समझ में आया ना ये। हमने आइस ले ली, आइस आइस के क्यूब ले लिए, आइस के क्यूब कैसे सॉलिड होते हैं ना, हमने गर्म करना स्टार्ट किया, हमने एक आइस का क्यूब लिया ये, हमने ये आइस का क्यूब लिया, इस क्यूब को गर्म किया, गर्म करने पर हम देखते हैं ये क्या बन जाता है, ये लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। फिर गर्म करते हैं इसको, यहाँ लिखो हीट, हीट क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा, ठीक है, भाप बन जाएगा। भाप 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 जो फॉर्म है वो क्या है, गैस का फॉर्म है। अच्छा दूसरी बात, सॉलिड को अगर हम पार्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, इसलिए सॉलिड बनता है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं, इसलिए गैस बनती है, ठीक है। ये इतना हो गया, अब ये हीट करते जा रहे हैं, हमने गैस को कोल्ड कर दिया, ठंडा किया, तो ये लिक्विड बन जाएगा। गैस को ठंडा करने पे लिक्विड बनता है, ठीक है। फिर लिक्विड को ठंडा करने पर क्या बनेगा, आपने बर्फ, आपने पानी की बोतल फ्रिज में लगाई, फ्रीजर में, और 2 दिन बाद वो क्या हो जाती है, जम जाती है, बर्फ बन जाती है। तो बर्फ बन जाना क्या होता है, सॉल्ट बन जाना। ये जो एक्शंस होते हैं इसे हम किस पर करते हैं, विशेष प्रकार के तापमान पर। गर्म किया हमने, बर्फ का टुकड़ा लिया, हमने गर्म करना स्टार्ट किया, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, लिक्विड बन गया। फिर 20, 30 सेल्सियस बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, फिर ये गैस बन गया। हमने फिर वही ठंडा करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर को लो, हमारे पास गैस है 10 डिग्री सेल्सियस की, सॉरी इससे भी ज़्यादा मान लो, तो हमने इसको कम टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, उसके मॉलिक्यूल्स पास आना स्टार्ट हुए, थोड़ा सा पास आए लिक्विड बन गए, थोड़ा सा और पास आ गए, बिल्कुल पास आ गए सॉलिड बन गए, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये हमने एक कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किया, एक टेम्परेचर तापमान जो इस पर अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जो बनेगा वो, और दूसरा इस पर जो वो बनेगा प्रेशर लगाएंगे, सॉरी प्रेशर, हाँ प्रेशर क्या होता है, दाब होता है ना, दाब लगाने पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लगाएंगे उसकी वजह से बढ़ेगा ये। तो हमारे पास आइस है, हमने आइस को हीट दिया, लिक्विड बन गया, लिक्विड को और हीट दी, वेपर बन गया, वेपर को कोल्ड किया हमने, क्या बन गया, लिक्विड, फिर कोल्ड किया, सॉलिड बन गया, ठीक है। ये क्या है, रिवर्स हो रहा है सर चीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे, मतलब मैटर क्या होता है, हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए बेसिक चीज़। तो मैटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, कहाँ से आया मैटर, ये आपको पता है, मैटर के पास क्या प्रॉपर्टी थी, मैटर स्थान घेरता है, द्रव्य जो है स्थान घेरता है, उसका एक भार होता है, ठीक है। मैटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि मैटर जो होता है आप उसे क्लासिफाई कैसे करेंगे, वर्गीकृत कैसे करेंगे, तो द्रव्य को वर्गीकृत कैसे किया जाए। ऐसे तो हम लोगों ने पिछली बहुत सारी छोटी छोटी क्लासों में, आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, बट वो हम लोग भूल जाते हैं, हमारे लोग याददाश्त कमज़ोर रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर जो है द्रव्य, द्रव्य 2 टाइप में पाया जाता है, द्रव्य जो है
दो टाइप में पाया जाता है, पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, मिक्सचर एंड प्योर मटेरियल या प्योर मैटर। ठीक है, प्योर मटेरियल ठीक रहेगा यहाँ पर, शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर दो भागों में पाया जाता है। इसकी दो ब्रांच आप मान सकते हो बेसिक रूप से। तो मिक्सचर क्या होता है, आप लोगों ने जब गर्मी का टाइम होता है तो हम लोग चीनी और पानी का घोल मिला के पी लेते हैं, इसे हम लोग शरबत कहते हैं, और हम लोगों को शरबत बहुत पसंद है और मीठा सबको पसंद रहता है, खासकर कुछ लोगों को बहुत ही मीठा पसंद है, इसलिए हाँ देखो कुछ बच्चे हाथ भी उठा रहे हैं। तो ये मीठा पसंद करने की क्वालिटी, चलो कोई बात नहीं, ये मिक्सचर है। मिश्रण क्या होता है, जब हम दो पदार्थों को आपस से मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने पर जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिक्सर के भी दो पार्ट हैं, जैसे शुगर प्लस वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शुगर को आप वाटर में मिलाते जाइए मिलाते जाइए मिलाते जाइए, तो आपका शरबत बन जाएगा, आप शरबत पीने के लायक बन गए। ठीक है, ओके। इसके बाद में मिक्सर किस टाइप का होता है, ठीक है, मम्मी ने आपसे कहा कि आपको मिक्सर बनाना है, शरबत बनाना है, आपने गुस्से में उठे और नमक डाल दिया उसमें, नमक घोल के आपने अपने गेस्ट को दे दिया, और गेस्ट कह रहा है क्या शरबत बना के दिया है आपने, अगले दिन से आपके यहाँ गेस्ट आने बंद हो गए, इससे आप खुश हो गए। तो जो नमक और पानी का घोल आपने बना के दिया वो मिक्स हो गया ना बिल्कुल एक दूसरे में, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था कि वो शरबत का पानी है, मतलब मीठा पानी है या नमकीन पानी है, जो कुछ नहीं दिखता है इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें कहते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आ जाओ, H2O+ Sugar लिखा हुआ है, NaCl कुछ भी ले सकते हो। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिसमें दो पदार्थ अलग अलग हों और मिले ना। आप लोगों ने थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी होगी, भूखा प्यासा कौवा, सॉरी भूखा बोले दे रहा हूँ मैं, प्यासे कौवे की कहानी, जिसमें कौवा बहुत प्यासा होता है और वो पानी के अंदर पत्थर डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के उस पानी के लेवल को ऊपर ले आता है। ठीक है, और क्या वो कौवा जो है वो पानी पी जाता है या कंकड़ पी जाता है, पानी पीता है ना, मतलब क्या है इसका कि पानी और कंकड़ आपस में मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है, मिल नहीं सकते। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन का नाम क्या रखा जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने पर वो एक दूसरे से होमोजीनियस नहीं हो जाते, मिल नहीं जाते। ठीक है, विषमांगी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल वाटर प्लस राइस भी हो सकता है। आपने कभी पानी में चावल धुले होंगे, धुलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, पानी इंपॉर्टेंट होता है, पानी आपने मिलाया उसमें, क्या पानी और चावल दोनों आपस में मिल जाते हैं, नहीं मिलते ना, चावल अलग पानी अलग रहता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स लेकर के आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मिक्सर के टाइप हो गए। इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स। हमारे पास प्योर मैटर जो दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, इसका भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने बोला कि भैया जरा हमें 1 kg Sugar दे दीजिए। अब उसने जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, शुगर में 10-15 दाने डाल के मिला दिए, 10-15 दाने नमक के मिला दिए, 10-15 करके मिलाता गया मिलाता मिलाता गया मिलाता गया, तो आपको चीनी शुद्ध मिलेगी क्या। चीनी शुद्ध का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको चीनी के पार्टिकल्स मिले उसमें, ठीक है ना, ये प्योर चीनी हो गई। ऐसे ही आप दाल लेने जाते हो, आपको दाल चाहिए तो आपको सिर्फ दाल ही चाहिए उसमें, दाल के पार्टिकल्स, ऐसा है, ऐसा है ना। तो प्योर मटेरियल्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ कंपोजिशन हो, मतलब कार्बन, जैसे हम शुगर ले आते, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों सेम फॉर्म में होते हैं, मतलब बराबर मात्रा मिले रहते हैं, और बराबर मात्रा के साथ में ये जो मिले होते हैं उसमें वो बैलेंस में रहते हैं, उसमें पत्थर कंकड़ कुछ नहीं मिला रहता, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ। ऐसे आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला हमें नमक चाहिए, ठीक है, तो आपको नमक मिल जाता है, टाटा सॉल्ट का नमक, उसमें दाना दाना सामान रहता है, ऐसा है कि नहीं है। तो ये जो नमक होता है वो कैसा होता है, प्योर होता है। ठीक है, इस प्योर मटेरियल के भी दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, तत्व, तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व में आता है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका पार्टिकल सिर्फ वही पार्टिकल हो, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक
ठीक है। ऑक्सीजन बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन का एटम एक हुआ, दूसरा ऑक्सीजन का एटम एक दूसरा हुआ, क्या बन गया? ओ टू, ऑक्सीजन ओ टू बन गया ना। ये जो ओ टू बना है इसमें क्या हाइड्रोजन कार्बन कुछ मिला हुआ है? नहीं ना। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। कंपाउंड में आ जाओ। कंपाउंड जैसा कि नाम यौगिक, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, अगर एक ही तत्व है तो एलिमेंट ही है, वो तो पहले से बात है। और इसमें देखो दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन का एटम है दो, तो इसमें मिलाने में क्या बन जाएगा? H2। ये क्या है? कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? तो हमारे पास जो मैटर है वो इतनी स्टेट में पाया जाता है, इतनी जगह पर पाया जाएगा, तो उसका नाम क्या होगा? मैटर। कंपाउंड होगा तो भी मैटर है, एलिमेंट है तो भी मैटर है, प्योर मटेरियल तब भी मैटर है, और मिक्सचर है तब भी मैटर ही है वो, और होमोजीनियस या हेटरोजीनियस तब भी वो ही है। मतलब एक इंसान है मटर सिंह, मैटर है ना ये मटर सिंह, और इसके बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे भाई बहन। ये देखो भाई, ये देखो बहन, फिर भाई की शादी हो गई, दो बीवियों से मान सकते हो, यहाँ बहन की शादी हो गई, दो हस्बैंड से ऐसा मान सकते हो, ऐसे करके कर सकते हो बेसिक। जैसे जैसे छोटी मोटी बातें आप इनको समझ सकते हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इतना हो गया। तो मैटर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है उसके पास? वो मिक्सचर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, वो सब क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैटर। ठीक है, ठीक है ना। अब ये हमने मैटर पढ़ लिया, हमने द्रव्य की क्वालिटी पढ़ ली कि क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो मैटर हमारे पास अवेलेबल है इसके पास फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होती हैं। क्वालिटी ऑफ अ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट, इट्स मेजरमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आप फिजिक्स की वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट का पार्ट टू पार्ट थ्री है इस वाले वीडियो में, मैं उसका लिंक डाल दूंगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मैटर, तो मैटर की क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी मतलब भौतिक, मतलब सॉरी गुणधर्म क्या होते हैं? किसी भी द्रव्य के गुणधर्म बताइए। तो दो तरह के सबके पास गुणधर्म होते हैं, एक बाहरी रूपरेखा, एक आंतरिक रूपरेखा। बाहरी रूपरेखा क्या होती है? बाहर से देख के बताते हैं, आंतरिक अंदर फेफड़े के अंदर देख लिया जा करके। ठीक है, ऐसा करके आपने टॉर्च लगाई मुंह के अंदर, ऐसे करके सब कुछ देख लिया, ये होता है, ऐसे देख पाते हो? नहीं ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ मैटर क्या है? फिजिकल क्वालिटी और केमिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी की बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? मैटर के लिए। हमारे पास एक मैटर है द्रव्य, हमने द्रव्य लिया और उसको देखा ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले क्या लिखा है? कलर। हमने देखा ये एक मैटर है, हर चीज़ एक मैटर है कि नहीं है? हर चीज़ एक मैटर है। चीज़ मीन्स क्या होता है? बटर। जो भी वस्तु हमारे पास है, ये वस्तु है ना, ये वस्तु क्या है? मैटर है। अब सबसे पहले आप वस्तु को देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है, कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का है। ऐसे आप बहुत सारे मैटर देखते हैं, देखते नहीं देखते हैं? ऐसे आप बहुत सारी सजीव और निर्जीव वस्तुएं देखते हैं, उन सजीव निर्जीव वस्तुओं में से आप सबको क्या समझते हैं? मैटर। अगर आप केमिकल के छात्र हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैटर। हर चीज़ आपके लिए क्या है? मैटर। ठीक है ना, तो ये क्या है? मैटर। सबसे पहले आपने क्या देखा? इसका कलर देखा ना, मैटर देखा। सबसे पहले आपने इसका कलर देखा, कलर देखा ना, कलर ही देखते हो? नहीं देखते हो? देखते हो ना। आपने ये डस्टर लिया तो आप क्या कहते हो? क्या येलो येलो का डस्टर है ना, क्या इस पे ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ है ना। सबसे पहले आप क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना, कलर। ठीक है, कलर आपने देख लिया। ठीक है, ये क्या है? मैं फिजिकल क्वालिटी बता रहा हूँ, फिजिकल क्वालिटी ऑलवेज बाहर से देखी जाती है। फिर स्मेल करते हैं, अब चाक को आप स्मेल करेंगे, चाक की कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, आपने एक मैंगो लिया, मैंगो को देखा, क्या रेड रेड मैंगो लगा हुआ है, इट्स अ कूल मैंगो। ठीक है, फिर आपने उसे तोड़ लिया, तोड़ के ऐसे ऐसे किया, सूंघते ना। ठीक है, सूंघने के बाद में आप क्या करते हैं? उसे उबाल देते हैं, तो बात की बात है। तो हर एक एलिमेंट,
जो मैटर हमने लिया है उस मैटर को सबसे पहले देखते हैं, फिर स्मेल करते हैं कि स्मेल कैसी आ रही है उसमें, ठीक है। फिर बॉइलिंग करते हैं, उबाल के चेक करते हैं। जैसे मान लो मैं चौक ली, तो चौक के अंदर के कंपोनेंट्स देखने के लिए हम इसे गर्म करेंगे, उबालेंगे, ठीक है। उबाल के देखेंगे, अगर उबालने पर इसके कंपोनेंट अलग हो जाते हैं तो उनको अलग अलग करके हम चेक करेंगे क्या है, क्या है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है, ऐसा है, ठीक है। बॉइलिंग हो गई, मेल्टिंग, ठीक है। अगर ये बॉयल नहीं हो रहा, आपने पत्थर लिया वो बॉयल नहीं हो रहा, उबल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे इसे, इसे गलाएंगे, ठीक है। गलांग, गलाएंगे इसको, ठीक है। कितने पे गल जाएगा उसको नोट कर लेंगे। से मान लो इसको मैंने बॉयल किया, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर उबल गया। जैसे आप चावल बनाते हो, उबालना पड़ता है चावल को, चावल को उबाला, चावल 30 डिग्री सेल्सियस पर उबल गया, तो आप क्या देखेंगे, ये वाला जो चावल है, इस बोरी में जो चावल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है। आप 30 डिग्री पर 1 घंटा उबालेंगे, ये बॉयल हो जाएगा, ठीक। वो नहीं बॉयल हुआ, हमको उसे मेल्ट करना है। मेल्ट मीन्स क्या होता है, गलाना, पिघलाना, ठीक है, गुड, पिघलाना। हमें इसे पिघलाना है, हमने इसका टेम्परेचर इसे बीकर में रखा, पिघलाना स्टार्ट किया 20, 30, 40 डिग्री, 40 डिग्री पर ये पिघल गया पूरा का पूरा। अब हम 40 डिग्री पे क्या लिखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आ जाओ डेंसिटी। डेंसिटी ऐसे समझ लो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे डेंसिटी पूछते रहते हैं कि सर डेंसिटी का मतलब बताइए क्या होता है। तो डेंसिटी मास है, हमारे पास 5 किलो का द्रव्यमान है, 5 किलो का द्रव्यमान, और उसका आयतन बहुत स्मॉल है, ठीक है। आयतन क्या होता है, आयतन, अगर आयतन ज़्यादा है, आयतन कम है, समझ में आया। ये बुक दी हुई है, इसका आयतन बहुत ज़्यादा है, मान लो, ठीक है। डस्टर का आयतन कम है, ठीक है। हमने बोला ये डस्टर 5 किलो का है, बोला हमने, और ये बुक 2 किलो की, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा और उसका आयतन कम होगा। आयतन कम, मास ज़्यादा, तो आयतन कम किसका है, इसका ज़्यादा है, कम है ना इसका आयतन, इसका आयतन ज़्यादा है तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी ना डेंसिटी। समझ में आया मतलब क्या, जिसके एटम बहुत पास पास होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा, आप 5 किलो का जो वो आता है वेट, 5 किलो का बांट आता है ना, वो आप देखें इतना बड़ा सा होता है, और उसके बराबर 5 किलो रुई तोलवा लीजिए, कितनी हो जाएगी, बहुत हो जाएगी ना, बहुत हो जाएगी ना, बहुत सारी। तो वो बहुत सारी जो रुई है उसका क्या है, वो बहुत सारा आयतन कवर करती है, मतलब रुई जो है ना बहुत दूर दूर है, समझ में आया मतलब। और वही रुई को हम दबा के बिल्कुल इतना छोटा सा कर दें, पास में कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, समझ में आया डेंसिटी। तो डेंसिटी ये, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। सबसे पहले हम देखते हैं उसका कंपोजिशन, कंपोजिशन संगठन देखते हैं। संगठन मतलब ये चौक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाई गई है, ठीक है, कैल्शियम CaO होता है, ऐसा कंपोजिशन हमने देखा। संगठन क्या है, फिर इसको जला के चेक करते हैं, जलेगी या नहीं जलेगी, अगर जल जाएगी तो कितने टेम्परेचर पर जलेगी, जलने पर इसमें कैसी रोशनी निकलेगी, जलने पर कैसी स्मेल आएगी, कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है। इस मटेरियल को जलाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है मैटर, इसको हमने जलाया, जलाने पे चेक कर रहे हैं स्मेल कैसी आ रही है, कैसी रोशनी फेंक रहा है, जलेगा या नहीं जलेगा, ये क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। वैसे हम सारे मटेरियल टेस्ट नहीं करते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं करते हैं बेसिक ये। फिर बेस टेस्ट करने पे पता है खट्टा है या मीठा है या क्षार है। फिर देखते हैं इसकी सक्रियता कैसी है, अभिक्रियाशीलता, मतलब किसी दूसरे मटेरियल में मिलाए जाने पर ये अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, अभिक्रिया करता है या नहीं करता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन था।